अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त सहाबी, आज उन्हीं का एक वाक़या आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें उनके अदल और इंसाफ का बहुत बड़ा इंसानियत के लिए पैगाम हाफ़िज़ इमरान आसी का बहुत ही प्यारा और अच्छे अंदाज में बयान आपकी खिदमत में हाजिर है। समात फरमा। उमरे फारूक यादव जलाले चे आ गया, अपने दुर्रा पकड़े आओ, दुर्रा पकड़ के जमीन से जोर नल मार के फरमान लगे, जमीन जल्दी कर, मई दा तेल वापस कर, तेनू नहीं पता मैं तेरा वारिस पिया बोलना। नौजवान उमरे फारूक ने दुर्रा मारे आओ, जमीन चु तेल उबले आ, मई प्याला फड़ के भरन लगी, फरमाया अम्मा जी नबी अदल कीता है, जमीन नबी अदल कीता है, तुसी भी अदल ही करे आ जे। मई कह लगी भी उमर मैं कदा अदल करा, फरमाया अम्मा जी जिन्ना को रुड़िया सी ओना को लिया जे। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھیے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز میں سب پڑھیے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم ادبار عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ چ رب تعالی نے ارشاد فرمایا والا قد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر فرمایا سا زبور دے اندر اپنے ذکر دے بعد لکھیا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون کہ اس زمین نو اساں اپنے پاک اور صالحین بندیاں نو اس زمین دا وارث بنا دیتا ہے یعنی کہ اللہ نے زبور دے اندر لکھیا ارشاد فرمایا
इस जमीन दा असा अपने पाक और साले बंदे इबादी या साले हून ओ जड़े साले हीन बंदे उन्होंने इस जमीन दा वारिस बना देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारक ने बात वादे कर दी थी कि जड़े नेक ते साले लोग ने उस जमीन दे वारिस ने। वारिस कौन होता है कि विरासत जिन्हों मिल जावे वो जिन्हों दिल करे अता कर दे। वारिस वो होता जिहड़ा मालिक दे बाद वारिस और मालिक हो। अपनी वारी आई थे रब ताला ने इरशाद फरमाया कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, फरमाया मबू तुसी फरमा दियो कि अल्लाह तो सारे मुल्कां दा मालिक है। हुन मालिक अल्लाह है, बनावन वाला अल्लाह है, वो जिन्हों चाहे वारिस बना देवे, जिन्हों चाहे किसी चीज नूं अता कर देवे। इत्थे जमीन की बात की ना कि अन्नल अर्द यारी सुहा इबादी सालिहून। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने जन्नत की भी बात की थी। कुछ ऐसे भी ने जिन्होंने अल्लाह ने जन्नत का वारिस बना देता। पढ़िए कुरान भाई, सारे सारे बोलो सुभान अल्लाह। जोर नहीं तुम लगा रहे, जोर लगा के बोलो, नाल देता भी हाथ चुक के बोलो। मैंने पता लगे होश वाले हैं और जागते बैठा, तवज्जो ना बात सुनिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। परवरदिगार ने फरमा ए जन्नत जिदे वास्ते दुआवां करदे हो, फरमा तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह फरमांदा मैं अपने मुत्तकी बंदियां नूं जन्नत दा वारिस बना दिता। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया इन्नल आमिलु सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला। अल्लाह ने फरमा ओ जड़े ईमान ले आके अमले साले कर देने, परवरदिगार ने फरमाया मैं उन्होंने जन्नत दा वारिस बना दिता। अल्लाह ने रिजा फरमाया उलाई कौमुल वारिसून अल्लदीन यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। वादे किए ना तेरे नाल, अगर दुनिया तो चला जाए तो लोग कहते अल्लाह जन्नत उल फिरदौस देवे। उंज है जन्नत नहीं भी, जन्नतियां अठ मंजिला ते अठ जन्नतां ने, पर जड़ी सारे तो अफजल है जन्नत उल फिरदौस है। इस वास्ते असीं जन्नत उल फिरदौस मंगने, या अल्लाह सानू जन्नत उल फिरदौस अता फरमा। वो जड़ी जन्नत उल फिरदौस असीं अपने ते लोगों वास्ते मंगने आ ना, अल्लाह फरमांदा उलाइक हुमुल वारिसून अल्लदीन यरिसून अल फिरदौस। अल्लाह फरमांदा जड़ी जन्नत तो मंगना ना फिरदौस, उदा मालिक ते वारिस मैं अपने नेक बंदियां नूं बना देता है। वारिस अल्लाह वाले ने, गिरामी कदर हजरात पता लग गया जेड़े अल्लाह वाले होंदे ने ते रब वाले होंदे ने, ओ जमीन दे भी वारिस ने ते जन्नत दे भी वारिस ने। इहदा तर्जमा हजरत मियां मुहम्मद बख्श कोल करवा के देवां, नहीं बोले फिर कदे करवा लवांगे। थोड़ा होर रौला बोलो, किहड़ा तुसीं लंगर खा के आए हैं भाई? लंगर ते जे तुसां फरीजां च जोड़ के रखे ना, अजे खाते नहीं ना रे, तुसीं ओह मरमां च शुरू करना तुसां। माशाल्लाह, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कलम रबाना, कलम रबाना ए हाथ पलियां दे कलम रबाना, कलम रवाना ए हाथ बलियां दे बली लिखन जो मन भावे आए ए बलियां नू रब ताकत बख्शे ओ लिखे ले का जिक्र करन लगा।
जिन्हां नूं अल्लाह ने जमीन ते जन्नत दा वारिस बना के भेजे। उस शख्सियत ने अमीर उल मुमिनीन खलीफा दो मुराद मुस्तफा हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ओ बोले जिन हजरत उमर फारूक नाल प्यार है और उचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं आज दुनिया के अजीम एक लीडर ते जरनैल का जिक्र करन लगा क्योंकि अल करीब यकम मुहर्रमुल हराम तशरीफ लेके आ रहे हैं। यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा यौम शहादत है। उस हवाले नाल अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु दी अजमत शान दे हवाले नाल जड़ी मैं आयत पढ़ी ना वाला कद कता बना फिर ज़बूरी में बाद ज़िक्र अन्न अर्द यारिशुहा इबादी सालिहून। इस आयत मुतल्लक उलमा फरमाते ने हजरत उमर फारूक दी शान चला ने बयान फरमाई ओ जड़े इबादी के सालिहून ने ओ हजरत उमर फारूक ने अन्न अर्द यारिशुहा तो मुराद मुल्क शाम अर्ज मुकद्दस हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे तौरे खिलाफत जब फतह हुई जिदे बारे लोग सोच भी नहीं सकते वो ईरान हजरत उमर फारूक दे दौरे च फतह होया। अल्लाह ने फरमाया अन्नल अर्द यारिसुहा इबादी सालिहून फरमाया आज दी जमीन है ए असा अपने नेक बंदियां नु विरासत च अता कर दिती एदे वारिस अल्लाह वाले ने। आओ मैं हुण दसां कि हजरत उमर फारूक जमीन दे किवें वारिस ने फिर दसां जन्नत दे किवें वारिस ने फिर इंशाअल्लाह हजरत उमर फारूक की जिंदगी के चंद गुशे मैं आप दे गुश गुजार करने अल्लाह करे उन्होंने जिंदगी का रंग साड़ी जिंदगी से चढ़ जाए। दौरे खिलाफत हजरत उमर फारूक का मदीना तैयबा की गली से एक माई वडेरी सरों का तेल अपने हत्थां ते लैके ना प्याले च जा रही थे माई नूं ठोकर लगी प्याला जमीन ते गिरिया ते जमीन ते तेल रुड़ गया ते तेल जमीन ने चूस लिया। माई उस तेल दे करीब बैठ के रोई जा रही थी इधर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। माई दे करीब खलो के फरमान लगे गली होवे मदीने दी दौर होवे उमर दा ते अम्मा तू मदीने दी गली च बैठ के रोवे ते कयामत नूं उमर नूं पुछ नहीं हो जानी। हुण उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो हाड़ा मुसलमान दा ओ दौर तुहानू सुनावण लगा जिहड़ा सुनहरी दौर ओ यार जिस दौर उते फरिश्ते भी नाज करदे ओ दौर जिहड़ा मुसलमान दी तारीख है जिदे ते उमर फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन ते ऐसा अदल ऐसा इंसाफ कायम किया कि एक दिन मदीना तैयबा जलजला आया जलजला ते हजरत उमर फारूक जमीन ते दुर्रा मार के फरमान लगे जमीन ठहर जा क्यों पई कंबड़ी है मैं तेरे ते अदल नहीं किया। उस दिन तो लैके अज तक मदीने कदे जलजला नहीं आया तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह। देखो कैसा जमीन दा वारिस है हुक्मरान है जमीन ते कोड़ा मार के फरमान लगे ठहर जा मैं तेरे ते अदल नहीं कीता जलजला रुक गया। आज तक 1400 साल गुजर के फिर मदीने कदे जलजला नहीं आया। उमर फारूक ने हुक्म फरमाया गिरामी कदर हजरत उमर फारूक माई नु रोंदा वेख्या तकरीब आके फरमान लगे अम्मा गली होवे मदीने दी दौर होवे उमर दा ते तू मदीने दी गली च बह के रोवे ते उमर नु पुछ नहीं हो जानी। एक ओ हुक्मरान है जिन्हें एक कमाई ना रोन दिती एक हुन हुक्मरान ने जिन्हां नु सारे ही रोंदे ने पर आ ओ दौरे हुक्मरानी सुनावा जद उमर फारूक ने किसे नु रोन बोलो बोलो रोन नहीं दिता आप ना गलियां च रात नु गश्त करदे सन भेस बदल के फिरना वेखा कोई रोंदा ते नहीं रोंदा ते नहीं। एक दिन हजरत उमर फारूक अद्धी रात वेले मदीना दी गली च गुजर रहे दो चार गली च चक्कर लगाए बच्चे ते रोन दी आवाज आवे आपने वेख्या बच्चा बड़ा रोंदा है दरवाजा खड़काया अंदरों औरत दी आवाज आई अद्धी रात वेले कौन फरमाया मैं उमर फारूक आजम फरमाया बच्चा क्यों पिया रोंदा है मां कहन लगी लजपाला मेरे बच्चा उन दूध पीन दे काबिल है पर मैं दा दूध पे छोड़ा नहीं है सवास ते प्यार रोंदा है फरमाया क्यों बच्चे दा दूध छोड़ा रही है कहन लगी उमर फारूक आजम ने ऐलान किया है जेड़ा बच्चा दूध पींदा होवेगा ओदा वजीफा नहीं लगेगा जेड़ा दूध छोड़ देवेगा रोटी खाण दे काबिल हो जाए ओदा वजीफा लगेगा। मैं बच्चे दा दूध पे छोड़ा नहीं हां मैं दूध छोड़ा नहीं है रोटी खाण लग पे दा वजीफा मैं कर रहे हां जाए। उमर फारूक ने सवेरे उठ के ऐलान किया फरमाया दूध छोड़ा दे बच्चे दा वजीफा नहीं जम दे बच्चे दा वजीफा लगेगा उमर दे दौर च को बच्चा भी नहीं रोवेगा।
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰਦੇ ਦੌਰ ਚ नहीं रोन देना, फरमाया को बच्चा भी ना रोवे मेरे दौरे च। ओ मेरे फारूक आदम जिन्हें बच्चे ना रोन देवे, फरमाया जम दे बच्चे दा वजीफा मुकरर कर दो, जेड़ा बच्चा पैदा होवे हुकूमत उहदा मुकम्मल खर्चा देवेगी। माई रो रही, उमरे फारूक करीब खलोगे ते फरमाया माई क्यों रो रही। माई भी उमरे फारूक दे दौर दी माई सी। एक दिन हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला ने एक सफर तो वापस आ रहे जंगल च गुजर होया, वेख्या ते जंगल च एक कखां दी कुल्ली अंदर छाती मारी ते माई चरखा पे कते ते कोल बह गए। कोल बैठ के माई दे ते माई दे करीब बैठ के फरमांदे ने अम्मा जी की हाल चाल है। आखे पुत्र ठीक है। अम्मा जी ये मुल्क दा हुक्मरान कौन है? ते माई कहन लगी सुनिया कोई उमर है, सुनिया कोई उमर है। फरमाया माई जी किवें दा है? माई उमरे फारूक दे दौर दी सी, याद रखियो। कहन लगी लोगों के हक च ते सुनिया बड़ा चंगा है, पर मेरा हक नहीं पछाणदा। फरमाया माई जी क्यों? माई कह लगी सुनिया ने सारे दे वजीफे मुकर्रर किए ने, मैनू कदे कुछ नहीं भेजिया, ते मैं कयामत उमर की शिकायत अल्लाह की बारगह च करनी है। अल्लाह की बारगह च मैं उमर की शिकायत करनी, उन्हें मेरा ध्यान नहीं रखिया। आप कह लगे अम्मा जी तुसी जंगल च मदीने तो इतनी दूर रहंदे हो ते कल्ले कुल्ली पा के बैठे हो, ते अम्मा जी उमर मदीने वासद है, तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜੋ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੋ ਨੌਕਰ ਕੋ ਗੁਲਾਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਈ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੁਮਲਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि अपनी हुकूमत वजीर आदम या सरदार के खिलाफ को गल करे, फौरन जेल है ना, सामने गल कर दियो, सामने। दौर में ऐसे ऐसे हुक्मरान भी गुजरे ने ना, हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम हुक्मरान से, उन्होंने भी एक दिन बड़ा चाह आया मैं भी जरा भेस बदल के वेखा लोगों ने मेरे बारे की ख्यालात ने। भेस बदल के एक पिंड की गली चु गुजरिया, एक बाबा पिया गुजरे, तो बाबे को बैठ गया, कह लगा ये मुल्क का हुक्मरान कौन है? उन्हें आख्या हज्जाज बिन यूसुफ। कह लगा हज्जाज किवें दे? बाबा शुरू हो गया गालियां देनिया, उन्हें आख्या बड़ा ही कमीना है, बहुत जालिम बंदा, सारे डर दे, गरीबों का ख्याल ही कोई नहीं, नेकां बंदों का भी उन्हें ख्याल नहीं किया, ज़बह कर देते, बहुत गलत फितरत का इंसान है, इंतहाई कमीना। हज्जाज भी यूसुफ के खिलाफ गल कर सकता ही नहीं, ओदे सामने करी जाए। हज्जाज उन बड़ा गुस्सा आया, हज्जाज कहन लगा तेनों पता मैं कौन हाँ? बाबा कहन लगा मैनू नहीं पता कौन है। कहन लगा मैं ही हज्जाज हाँ। ते बाबा कहन लगा तेनों पता मैं कौन हाँ? कहन लगा नहीं। कहन लगा मैं महीने च तीन दिन पागल हो जाना, अज मेरा पहला दिन है। डर गया, बाबा डर गया, मगर उन्हें बहाना ऐसा किया कि मैं बच जावा। कहन लगा मैं पागल हो जाना, अज मेरा पहला दिन। यानी ऐसे ऐसे हुक्मरान कि लोग उन्हें को डरते जबान नहीं खोलते, पर उमरे फारूक यार कखां दी खुली च माई दे सामने बैठ के पुछदे ने, ते माई भी कह रहे है ते बड़ा चंगा लोगों दे हक च चंगा, मेरे हक च मंदा, मैं कयामत नूं शिकायत करनी है। आपने फरमाया माई जी की शिकायत करनी है? माई कहन लगी मैं अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करनी, या अल्लाह सारे नूं बणदा रहा, मेरा ख्याल नहीं किया। आपने फरमाया माई जी जंगल च कल्लियां रहंदे हो, उमर नूं तुहाडा मदीना की पता होवे कि तुसीं जंगल च कल्लियां पे वसदे हो? नौजवान माई उमरे फारूक दे दौर दी माई है। माई ने जड़ा जवाब दिता सुन के तड़प जाओगे, अपने अपने जमीर वाल भी वेखे, आज असी वोट देन लगे आओ, अपनियां रिश्तेदारियां बरादरियां वेखने, पर उन्होंने वोट देन लगे उमरे फारूक नु चुने आ
ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਈ ਤੜਪ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਾਈ ਮੰਨ ਗਈ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮਾਈ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਮ ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਉਮਰ ਹਾਂ ਦਿਨਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇ ਓ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕਿਆ ਹਸੀ ਦੌਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਓ ਮਾਈ ਵੇਖੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਈ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਨੇ ਤੇਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਰੋੜ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਤੇਲ ਚੂਸ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉੱਠੋ ਮਾਈ ਵੀ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਦਮ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਗਮ ਕਮਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਏਗੇ ਹਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਈ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਆਓ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਵਾਂ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਸਤੂਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਗਈ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਦੇਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਜਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋਲ ਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੁੰਘ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੱਕਦੀ ਰਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਈ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਆਇਆ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਈਰਾਨ ਸੀ ਫਾਰਸ ਈਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਪਰ ਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਟਾਂਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਫਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਫਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਤੇ ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨੇ ਮਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਕਾਫਿਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਊਂਟ ਮਦੀਨੇ ਸੀ ਆਖਰੀ ਊਂਟ ਈਰਾਨ ਸੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਕਿਤਾਰ ਪਹਿਲਾ ਊਂਟ ਮਦੀਨੇ ਆਖਰੀ ਊਂਟ ਈਰਾਨ ਸੀ ਅਜੇ
लिस्ट बना के भेजी गई ईरान तो सहाबा वालों सिपाहियां वालों के जी असी आ सौदा ईरान तो भेज रहे हैं। मैं किताब पढ़िया तकरीबन आज दे हिसाब ना 9 खरब किन्ना 9 खरब डॉलर दा सामान ईरान तो मदीने आया। सुन के हैरान हो जाओगे जड़ा बादशाह ईरान दे महल दा कलीम दा टुकड़ा सी ना वो लखां दिनार च विकिया सी छोटा छोटा टुकड़ा इतना महंगा कलीन से मौला अली दे जड़ा हिस्से आया थोड़ा टुकड़ा कलीन दा सिर्फ उहदे दरबार च जड़ा कलीन बिछांदे सन वो मौला अली ने लखां दिरहमां ते दिनारां दा बेचिया सी। आ फरमाते होंगे सन कि जो मेरे हिस्से आया से हालांकि वह कदर में वह कलीन का हिस्सा भी जरा हल्का से ते थोड़ा जहा हिस्सा वह भी आपने लखा का बेचा तो जो आला कलीन होगा वह कितने का बिकया होगा यानी खरबा रुपए के खरबा डालर की माले गनीमत ईरान तो मदीने आया तो जी लिस्ट आई ना जी लिस्ट आई उसे लिखा से आ भी भेज रहे हैं आ भी भेज रहे हैं आ भी भेज रहे हैं। जो हजरत उमर फारूक ने हिसाब किया ना एक सूई का भी घाटा वादा नहीं तुम सुबहान अल्लाह नहीं कह रहे मैं लुत्फ नहीं आ रहा। और मलक बरादरान वसीम साहेब नवीद साहेब मलक आरफ साहब फैसलाबाद आए ने लाहौर तो भाई दिलबर आए ने कि तस्करा करा हर शहर चो आयो एक ही आखन के सियालकोट वाले सुबहान अल्लाह नहीं कहते हाथ चौके बोलो पता लगे जूदे जागदे च बैठा शेर भी सुनावगा पर फिर गल सुन लो है वादा घाटा नहीं सी जड़ी ईरान तो मदीने तक माल पहुंचिया। असी एडा ईमानदार आ ना तुसी अगे दे बेली नु कोई चीज दे के सियालकोट शहर तक भेज लो मिठाई दा डब्बे दे के भेज लो उथे अद्धी पहुंचनी है ना। असी ते रेडी तो मूंगफली लेना शुरू कर दिए पा असा खरीदनी हुंदी ते किलो चक्कर जाने आ है ना। ईरान तो टुरिया माल ते मदीने पहुंचिया एक सुई भी गायब नहीं हुई। हजरत उमर फारूक लिस्ट पढ़ी थे अखा चथरू मौला अली कंधे ते हाथ रख के फरमाते क्यों पे रोंदे हो ते आप रो के फरमान लगे मैं इस गल तो रोना कि मेरी ममलकत के अंदर आया एडी ईमानदार है ईरान तो मदीने इन खरबा का माल आया ते विचों सुई भी नहीं गायब हुई ते मौला अली कंधे ते हाथ रख के फरमाते ने सोनिया तेरी राया इस वास्ते बड़ी ईमानदार है क्योंकि हुक्मरान ही बड़ा ईमानदार है। हुण बोलो सुभान अल्लाह क्योंकि हुक्मरान बड़ा ईमानदार है। याद रखे बुजुर्ग फरमाते ने जदो हुक्मरान करप्शन करके एक अंडा खावेगा ना ते कौम चोरी करके मुर्गे खावेगी कौम मुर्गे चोरी करके खावेगी जदो हुक्मरान अंडे खावे इथे मौला अली ने फरमाया सोनिया तू बड़ा ईमानदार है सवाल ते तेरी कौम बड़ी ईमानदार है। माई ने आख्या मैं क्यों गरीबों का माल मैं अपना तेल लेना उमरे फारूक आदम जलाले च आ गया अपने दुर्रा पकड़े आओ दुर्रा पकड़ के जमीन से जोर नल मार के फरमान लगे जमीन जल्दी कर माई दा तेल वापस कर तेनू नहीं पता मैं तेरा वारिस पिया बोलना वा नौजवान उमरे फारूक ने दुर्रा मारे आओ जमीन चुते लुप लिया माई प्याला फड़ के भरन लगी फरमाया अम्मा जी नबी अदल कीता है जमीन नबी अदल कीता है तुसी भी अदल करे आ जे माई कह लगी भी उमर मैं कदा अदल करा फरमाया अम्मा जी जिन्ना को रुड़िया सी ओना को लिया जे सुभान अल्लाह फरमाया जमीन जल्दी कर माई दा तेल वापस कर पता लगे जमीन दा वारिस है ओ जमीन दा वारिस गिरामी कदर हजरात जिदा हुक्म जमीन ते भी चलदा अग हवा मट्टी पानी अनासर अरबा ए अनासर अरबा दे नाल इंसान दा वजूद तखलीक कीता गया हवा मट्टी पानी चार अनासर ना इंसान बनया इजाजत होवे ते ना चौवां ते मैं तुहानूं हजरत उमर फारूक दी हुक्मरानी सुनावां
सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। ओ बोले जड़ा नबी दे यारां दा यार है, इश्क दा कानून है यार दा यार यार होंदा है, जड़ा नबी दे यारां दा यार उच्चा बोले सुभान अल्लाह, जड़ा हक चार यार दा नारा लगाने वाला ओ बोले सुभान अल्लाह। चार अनासर ना इंसान बनिया, अनासर अरबा इन्हों किया जाता है। आओ मैं हजरत उमर फारूक की चौमा से हुकूमत सुनावा, ये होगी जमीन से हुकूमत, हूँ हवा से सुनावा। उचा 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 बोली जाओ सुभान अल्लाह। ईरान लश्कर भेजा, जब आपने ईरान फतह करने वास्ते थे ईरान का सूबा निहामद उत्थे हजरत सारिया भेजा, वह पे जंग कर दे उमर फारूक मदीने मिंबर से बह के ना आप नजारा पे कर दे। कई बेली कहते हैं आसी साहब किवें हो सकता है, तुम कहते हो कि साढ़े फलां वाली ने जमीन से बह के आओ ईरान वेख लिया, जमीन से बह के आओ इराक वेख लिया, साढ़े वाली ने जमीन से बह के जन्नत झाती मार ली, किवें हो सकता है? इंसान की अख एक दीवार के पार नहीं देख सकती, मुल्कां दे पार वेखना किवें मुमकिन है? एक गल नूं पहले समझना बड़ा मुश्किल सी, पर जदों का मोबाइल आया ना इन्हें बड़े मसले हल कर दिए। अच्छा पुत्र बाबा जी अमरीका बैठा है ते बाबा पाकिस्तान बैठा है ते पुत्र कहता अब्बा जी मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लगा, पुत्र वीडियो कॉल करता है ते अब्बा जी पुत्र सामने वेखते भी ने आवाज भी सुनते हैं, दरम्यान च तार भी कोई नहीं, कनैक्शन भी कोई नहीं, पुत्र अमरीका तो अबू वीडियो कॉल कर रहे थे, अब्बा जी सामने बह के हुक्म दे रहे हैं पुत्र जी इन्हें पैसे भेज दो। अब्बा जी आ गए जी, वो आ गए, बाकी पैसे आ गए। ये मोबाइल ने तो बड़े मसले हल सुनिया दे कर देते भाई। उमर फारूक आजम बैठे मदीने दे मस्जिद दे नबी दे मेंबर थे ते हजरत सारिया ईरान जंग कर रहे थे, हजरत उमर मदीने में बह के देख रहे। अच्छा जे बंदे दे बनाए मोबाइल दे विच इना कमाल है ते जिन्होंने रब अपनी वहदत दी अखियां अता करे, मियाँ साहब के दरबार से लै चलना पुछ के देव इस हक वालों, आ तुसी नहीं बोले नहीं तो लै मैं जाना सी। मियाँ साहब रहमत अल्लाह अलैह फरमा देने जे रब दिल दिया भाई, जे रब दिल दिया अखियां दे नजरियावे ओ क्या नेड़े क्या दूरों ए बलियानो हर शय नजरियावे ओ क्या नेड़े क्या दूरों। ओ ईरान जंग कर रहे तो मेरे फारूक मदीने बह के बह के फरमाते हैं या सारी तल जबल या सारिया अल जबल या सारिया तल जबल, फरमा देने सारिया पहाड़ वल वेख, सारिया पहाड़ वल वेख, सारिया पहाड़ वल वेख। उन हजरत सारिया ईरान ते उमर मदीने महीने का सफर, मदीने वाले लोगों ने तारीख से दिन लिख के रख लिया। एक महीने बाद एक मुजाहिद आया, उन्हें कहा मुबारक हो फतह हो गई। एक महीने बाद हजरत सारी आए थे, लोग मदीने ने पूछे फतह किवें मिली, फरमाया जंग हार चले सा, ईसाई साड़ी कंड वालों हमला करन लगे, उधर पहाड़ सी, सानू नहीं सी पता सा जंग हार जानी, उमर फारूक की आवाज गई से। पूछया उमर फारूक की आवाज ईरान गई तो तुम ईरान उमर मदीने बह के पुकारिया तो ईरान तो हमें कितनी आवाज सुनी गई? आपने परमा रब्बे काबा की कसम ईरान मैं इंज लगता सी जिम्मे उमर मेरे मोढ़िया से बह के पिया बोलता है। आ मैं तेन हवा के हुक्मरानी सुनावा, पता चलिया कि बैठे थे मदीने ते वेखते पे ईरान परदे उठ गए परदे। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह परदे दे मुतलक फरमांदे ने कि इंसान जिवें तुसी अपने दरवाजे दे सामने का पर्दा लटकांदे हो ना, दरवाजे दे सामने क्यों? ताकि बाहरों किसी गैर महरम दी निगाह अंदर ना पै जाए, असी अपने दरवाजे ते पर्दा लटका देने हां। पर जे कदे तेज हवा चले ना तो पर्दा फिर उड़दा है,
जदों परदा उड़दा है ना फिर बाहरों अंदर नज़र आता है तो अंदरों बाहर नज़र आ जाता है क्योंकि परदा उड़ जाता है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं इंसान तेरे दिल ते भी परदे ने झूठ दे फरेब दे हसद दे लालच दे गीबत दे धोखा दे फरेब दे लालच दे इस सारे परदे तो अपने दिल दे पाले फरमाते हैं पर कदे ओदे लुत्फ दी हवा चले ना ते ए परदे उड़दे ने ते फिर हर शह पे नजरिया आती है जिन्हां दे परदे उठ जांदे ना फिर उन्होंने जमीन ते आसमान की हर शह नजरी आ जाती जिन्हां दे परदे उठ जांदे ने। गिरामी कदर हजरात लोगों ने हजरत सारियां नूं पुछया कितनी आवाज गई थी आपने फरमा मैनूं इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढ़ियां ते बह के पिया बोलदा है। अगली गल मैं अक्सर सुना ना लुत्फ लोगे हजरत उमरे फारूक दे एक बचपन का बेली सी वो मक्के रहिंदा सी एक गल सुनी ते मदीने आके ना ते हजरत उमरे फारूक नूं आवाज़ां पिया दे ओए उमर ओए उमर ओए उमर लंगोटिया यार सी ना उन्हें नहीं वेख्या कि मेरा यार 52,51,000 का कल्ला ही वारस है। नहीं समझे कोई एक मुरबे का चौधरी कोई दो मुरबे का चौधरी कोई तीन मुरबे का कोई दस मुरबे का चौधरी उमरे फारूक हो जड़ा 52,51,000 का कल्ला ही मालक के वारस है। अद्धी दुनिया बनती ते हजरत उमरे फारूक का बचपन का बेली लंगोटी आई आवाज़ा किमें देवे ओए उमर ओए उमर ओए उमर लंगोटिया सी ना लंगोटिया नहीं वेखदा मेरा यार पीर साहब बन गया मेरा यार आलिम साहब बन गया मेरा यार कारी साहब बन गया नहीं वो नहीं वेखदा मेरा यार वजीर आजम बन गया वह उंज ही बुलाता है जिमें बचपन बुलाता है वह कहता होएगा लोगों का मेरा तो यार है ओनू ही ना सी उमर मेरा यार है वह मदीना की गलियां आवाज़ा पे देवे हजरत उमरे फारूक मिले पकड़ के सीने लगाया प्यार करके फरमाया किधर आया कह लगा उमर तेन याद है मैं तू बचपन के बेली तो यार हाँ फरमा बड़ा याद है कह लगा मैं सुनया तू मदीने बैठ के ईरान वेख्या भी आवाज भी पहुँचाई तो मदद भी की फरमा बिल्कुल ठीक सुने कह लगा बचपन याद ही फरमा याद है कह लगा याद ही तू तो मैं ऊँट कट्ठे चार दे फरमा याद है एक दिन हजरत उमरे फारूक ने उमरा करन मदीने तो मके गए थे एक मुकाम से बह के रोई जावन रोई जावन रोई जावन बेलियां पूछा जरूर इतने क्यों रोंदे फरमा इतने मैं बकरियां चारदा होंदा सा आ फरमाते सन मैं ऊँट चारदा सा तो एक ऊँट दौड़ जाता सी मैं उन्होंने लैन जाता सा तो दूसरा दौड़ जाता सी फरमाते ने मैं उन्होंने लैन जाता सा तीसरा दौड़ जाता सी उन्होंने लैन जाता सा चौथा दौड़ जाता सी मैं सारा दिन ऊँट इकट्ठा करता रहता सा तो अबू जी मारते सन तो कहते सन तेरे को ऊँट नहीं संभाले जाते तो फरमाते सन उदो ऊँट नहीं सन संभाले जाते हूँ रब ने पूरी दुनिया संभालने का ठेका ही मैंने दे दिता है तो सारी दुनिया संभाली फिर वाह मदीने दे ताजदारा तेरी तरबियत तो सदके जावा कह लगा उमर याद ही ऊंट कट्ठे चार दे रहे हैं फरमा याद है कह लगा याद ही तेरा ऊंट गवाच जाता सी आपने फरमाया याद है कह लगा तेरा बख्ताब तेन मारदा सी फरमाया मैनू याद है कह लगा याद ही तेरे ऊंट तेन मैं ढूंढ के देंदा रहा फरमाया ये भी याद है कह लगा फिर मैं मक्के तो मदीने आई पुछने आया बचपन च तेन गवाचे ऊंट नहीं सन लभदे अज बैठा मदीने उन्हें वेखदा ईरान उन्हें दस उमरे अख कित्थों लई आओ उमरे फारूक दियां चीखां निकल गईयां सीने लगा के फरमान लगे बेलिया कमाल मेरा कोई नहीं फर्क ना पै गया है उदों तेरा यार सा हुण मुहम्मद आया हुण बोलिए सुभान अल्लाह ओ जवानो जमीन का भी मालिक हवा का भी वारिस मदीने अग लग गई अगर तुमरे फारूक नो किसी आके आख्या हजूर अग पहाड़ा में निकली है तो मदीने वाली आ रही थे बहुत तेजी ना ला रही आप बड़े मुतमिन होके बैठे रहे साहबी रसूल इंज करके ना अपनी चादर दे के फरमा देने मेरी चादर लै जाओ इस तरह करके ना जरा अग नू आख्या जी हट जा अग का काम है जला देना कपड़ा भेजा साबी रसूल फरमाते ने मैं इस तरह करके ना कपड़ा अग दे सामने किया इस तरह छंड छंड के अग नू करना चल चल फरमाते ने मैं टुरी जा रहा अग अगे टुरी जा रही मैं अग नू पहाड़ च छड़ के आया
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਡ ਛੰਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਤੇ ਘਰ ਛੋੜਾਇਆ ਅੱਗ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਪਰਵਾਹ ਉਮਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯਾਦ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਮਦੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਬੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਐ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਣਾ ਖਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ दरिया नील दे नाम खत लिखया ते खत लिख के ते आपने भेजा ते फरमाया ए खत दरिया च रखो चल पवेगा जदो खत पहुंचा ते खत पता की लिखया सी हजरत उमर फारूक ने फरमाया ओ दरिया नील जे ते चलना है अपनी मर्जी नाल ते सानू तेरे पानी दी कोई लोड़ नहीं ते जे चलना रब दी मर्जी नाल ते फिर चल पो लो जी फरमाद ने खत असी दरिया के दरम्यान रख के दौड़े फरमाद ने जे किनारियां ते नहीं सां पहुंचे ते दरिया छलां पे मारदा से अज तक दरिया नील खुश्क नहीं होया क्योंकि हुक्म दिता उमर फारूक ने चलन का हुक्म अता किया उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पता लग्या अग का वारिस पानी का वारिस जमीन का वारिस और यार पानी ते अग ते हवा का सारे अनासर अरबा का वारिस उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला इंसाना ते नहीं अल्लाह ने हर चीज का हुक्मरान उमर फारूक नु बना के भेजा ओ सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गली च जा रहे तवज्जो है एक शेर ना पढ़ लिए ताकि तुसी ताजा दम हो जाओ चली हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार उते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह जिन्ने बड़ी इत्थे दसवीं दा भी गोश्त खादा है ग्यारहवीं दा भी खादा है ते बारहवीं दा भी खादा है वह बोले सुभान अल्लाह हाथ नहीं चुके बोले तुसी सुभान अल्लाह गूंज पैदी रवे सुभान अल्लाह फादे सुल्तान ले फरमा चशम चरा जिन्ना दे ओ क्यों पालन दीवे ओ इश्क जिन्ना दी ए हड्डी रचे ओ बिना शराब मतलूब हयाती ओते डिठियां बाजना जीवे ओ नाम फकीर सिनावा दबा हो कबर जिना दी जीवे एक लख इंसान कतल करवा दिता एक मदीना तैयबा दी गल हज़रत उमर फारूक रात नूं जा रहे थे एक घर विच ना आप नूं आवाज़ आई गल्लां दी कन्न ला के सुनिया इस वेले कौन पिया गल्लां करदे घर दे अंदर एक माई अपनी धी नूं पई समझांदी है ते माई कह रही धीए उठ ते दुध विच पानी पा लै दुध विच पानी पा लै ते माई नूं बेटी बोल के कहंदी है अम्मा जी मैं दुध विच पानी नहीं पाना उमरे फारूक दा दौर ते मां कह रही थी ये उमर केड़ा पिया वेखदा है बेटी उमरे फारूक दे दौर दी सी कहन लगी अम्मा उमर नहीं वेखदा उमर दा रब पिया वेखदा है मैं दुध च पानी नहीं पाना वाह उमरे फारूक मैं तेरी तरबियत तो सदके जावां
घर के अंदर तरबियत पहुंच गई, बेटिया तक बच्चिया तक पहुंच गए। नौजवानों मेरे फारूक की अख की बसारत का ख्याल कर, घर आके सवेरे अपने लोगों को फरमाया पूछो मकान किदा है, पता कीता गया मकान फुला मई दाई। आपने अपने बेटे नु बुलाया, बुला के फरमाया घर जी बड़ी नेक बची रही है, मेरा ख्याल है तुसा बच्ची दे नाल निकाह कर ले। उमरे फारूक खलीफतुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन साढ़े पाई लख मुरब्बा मील दा वारस, अपने पुत्र दी शादी दा वेला आया, ते मुल्क दा वजीर आजम दी बेटी नहीं वेखी, कोई शहजादी नहीं वेखी, एक बेवा माई दी नेक बेटी वेखी। फरमाया पुत्रा जा है तू शहजादा है, पर उस नेक बच्ची नाल शादी कर लै, मैनू लगदा अल्लाह बरकतां देवेगा। पुत्र ने जाके उस बच्ची नाल शादी कर ली, उस बच्ची विच एक बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची तो पुत्र पैदा होया जिन्हों दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती। उस बच्ची जो फिर उम्र पैदा होया जिन्हें दुनिया उम्र सानी कहती है, दूसरा उम्र 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 बिन अब्दुल अजीज पैदा होया उस बच्ची की बच्ची विचों जिन्हें दुनिया उम्र सानी कहती है, दूसरा उम्र जिसे दौर ने उम्र फारूक का दौर याद करा दिता। वेख उमरे फारूक की फिरासत वेख, फरमाया उस बच्ची ना शादी कर, अल्लाह बरकत दे। तो गिरामी कदर हजरात उमरे फारूक की सीरत जिस पहलू ना वेखिए, जिस पहलू ना वेखिए, अजीब मुनफरिद प्यारा सोना तरबियत याफ्ता। गिरामी कदर हजरात अल्लाह की बारगाह जदों अल्लाह मेरी थोड़ी हाजरी कबूल फरमाए सानू।